आज से पश्चिम बंगाल के मजदूर भी वापस आ सकेंगे। और हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर वेस्ट बंगाल जाने के लिए कौन सी स्पेशल ट्रेन रेलवे शुरू करने वाली है और इसको लेकर के क्या क्या खबरें सामने आई है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के तमाम रेलवे न्यूज का अपडेट मिलता रहे और पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो अपडेट में ही मिलेगी। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, इसके साथ ही अपना बहुमूल्य कमेंट हमें अवश्य लिखें जिससे हमें पता चल सके कि आखिर आप लोगों को क्या चीज की परेशानी हो रही है और कौन से ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज से पश्चिम बंगाल के मजदूर की घर वापसी होगी और ममता और केंद्र सरकार के बीच तनातनी कुछ दिनों से हो रही थी, लेकिन अब रेल मंत्रालय से बातचीत करने के बाद बीच का रास्ता निकल चुका है। आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल के लिए कई महत्वपूर्ण स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी तनातनी के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का रास्ता खुल गया है और आज बंगाल के मजदूरों की पहली खेप ट्रेन से लौट रही है। ममता बनर्जी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 10 ट्रेनों को हरी झंडी दी है और आज तेलंगाना से एक ट्रेन पश्चिम बंगाल के लिए मालदा पहुंच रही है, लेकिन इस पर मचा सियासी घमासान थम नहीं रहा है। आने वाले दिनों में अगर घमासान थम जाएगा और तनातनी कुछ कम होगी तो फिर देखने वाली यह बात है कि आखिर वेस्ट बंगाल कितनी ट्रेनें और आएंगी। यह एक बड़ी खबर है, इस वीडियो को शेयर करें और अपना हमें कमेंट अवश्य लिखें आखिर वेस्ट बंगाल कौन कौन आना चाहते हैं और कौन कौन से राज्य जाना चाहते हैं।